हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो पर। तो फ्रेंड, आज जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि एक फ्रेंड का जो है कमेंट आया था, उनका नाम है दिनेश कुमार। वो बोल रहे थे कि आप जो है अपने होठ हिलाते नहीं हो और ब्लॉग कैसे आपका बन जाता है। आप क्या जब ब्लॉग बनाते हो तो कोई लेडीज होती है आपके साथ? तो ऐसा नहीं है, मैं जो है काफ़ी दिक्कत काफ़ी मुश्किलों को फेस करके जो है ब्लॉग शूट करके और लास्ट में जो है उस पर मैं अपना आवाज़ देती हूँ, वॉइस ओवर जिसे कहते हैं। ये सब तो मैं भी पहले नहीं जानती थी, लेकिन जब ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तब से मैं जान रही हूँ, पहले मुझे भी नहीं पता था फ्रेंड। तो मैं ही बोलती हूँ, लेकिन ना मैं जब खाली टाइम होता है तब बोलती हूँ, क्योंकि बाहर जो है मैं बोल करके ब्लॉग नहीं बना सकती। मैं अपनी प्रॉब्लम क्या बताऊँ, कितने सारे मुश्किल फेस करके जो है मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो वो तो मुझे ही पता है। लेकिन मैं हर चीज़ आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। तो बस अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉइस ओवर मैं करती हूँ खुद से, और लोग बोल रहे थे कि आप जो अपने होंठ हिलाते नहीं हो बोलता कौन है, तो मैं ही बोलती हूँ लेकिन लास्ट में बोलती हूँ वीडियो शूट करने के बाद। आप बोल रहे थे कि तो यहाँ मैं ही बोलती हूँ फ्रेंड, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। मैंने आप लोगों से आज थोड़ा बात कर लिया क्योंकि मैंने अंदर का दरवाज़ा, कुछ रूम है ना, देख लो लाइट आ रहा है, यहाँ वो लाइट चली भी गई है, मैं इमरजेंसी लाइट जो है चलाई हूँ। और फिर एक तरफ मोबाइल मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, और अगर इसको बंद कर दूँ तो इमरजेंसी लाइट उधर चल रही है, और लाइट नहीं है फ्रेंड इस टाइम, बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको भी मैं रख दूँ, ये देखो, और मैं आप लोगों को, ये रूम जो है ये फ्रिज है, इसके बगल में थोड़ा सा जगह है, वहाँ पर जो है बात कर रही हूँ, बाहर में बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं जो है अधिकतर वॉइस ओवर पर बात करती हूँ फ्रेंड। तो अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो धन्यवाद। अब चलिए ब्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट, कुछ जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं उन्हें जो है इकट्ठा कर लेते हैं। ये अंदर वाला रूम है फ्रेंड, बाहर मैंने बंद कर दिया ताकि मेरी आवाज़ जो है बाहर ना जाए, इसलिए बस। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, मैंने वीडियो को कर लिया है स्टार्ट, और जो मैं मेरे बाल खुले थे उन्हें मैंने हर दिन की तरह जो है मैंने ये देखो चूड़ा बांध लिया है। और फिर क्या है ना कि बाल खुले रहते हैं तो हम काम नहीं कर सकते हैं, बस ब्लॉग में आने के लिए बस बाल खोल लेते हैं। देखो इमरजेंसी लाइट यहाँ पर जल रही है क्योंकि ना बाहर मैं आज ब्लॉग नहीं बना रही हूँ अभी शुरुआत, तो ब्लॉग जो है इमरजेंसी लाइट, ये देखो मेरे ये वाली जो सेफ्टी पिन होती है ना आल पिन, वो लगा हुआ है इस इमरजेंसी लाइट के पीछे पर। तो ये देखो इसे जलाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, अंधेरा लग रहा है, मोबाइल जल रही है। और फिर फ्रेंड लाइट जो है ना इस टाइम लाइट होती ही नहीं है, रात में जो है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आई है फ्रेंड लाइट, इसलिए ना मैं जब ब्लॉग बना रही थी तब लाइट थी नहीं और फिर रात में लाइट आई है। तो जो भी जो कपड़े हैं ना जो मैंने इससे पहले के ब्लॉग में जो साड़ी पहना हुआ था वो ऐसे ही रखे पड़े हैं फ्रेंड, क्योंकि मैं इस टाइम थोड़ा थोड़ा
खेत चली जाती हूँ। आज ना 9 बजे से लेके 11 बजे तक जो है खेत में थी, और वहाँ पर से आ करके नहाई, और नहा करके जो है मैंने व्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया फ्रेंड, क्योंकि व्लॉग भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही मैं घर आई ना तो लाइट चली गई थी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि अरे यार, मैंने सोचा क्या करूँ, फिर इमरजेंसी लाइट चला करके व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड, घर को भी संभालना और खेत को भी संभालना, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी तो चलो 2-3 घंटे जो है काम था मुझे, फिर आ करके जो है ये रोटी बनानी है मुझे अभी दोपहर में, तो बस उसी के लिए आटा चाल रही हूँ फ्रेंड। और फिर ये जो साड़ी है ना, इसमें पहले मैं ब्लॉग बनाया करती थी, इसका हम लोग फ्रेंड बहुत सारी साड़ियाँ जब इकट्ठी हो जाती है ना तो हम उसका बिस्तर बना देते हैं, मतलब खुद से सील करके सुई धागे से, तो वही मैं बना रही हूँ और उसी के ऊपर बैठ गई हूँ। तो इसको भी सिलना है, बस अभी थोड़े ही सिलाई किया है मैंने, ज़्यादा नहीं किया है। तो ये देखो इसको भी बनाने हैं, और साथ में जो है अभी बहुत सारे काम हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, और बहुत सा आप लोग कमेंट भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे छत पर जाना होता है, तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाती हूँ इसलिए। तो बस खेत में काम किया था ना मैंने, तो थक गई थी, तो सोचा चलो ये सारे काम जो है मैं थोड़े थोड़े से कर लिए हैं, तो साथ में आराम भी कर लूँ। अभी कब लोग क्या है फ्रेंड, क्या है ना कि अंधेला अंधेला सा आ रहा होगा, तो मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मैं इमरजेंसी लाइट पर आज ब्लॉग बना रही हूँ। क्या है ना, अगर धूप हो और फिर थोड़ा आंगन की तरफ ब्लॉग बनाओ तो अंधेरा नहीं रहता। अभी अंदर वाला रूम में ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बाहर में जो है सभी बैठे हुए हैं, इसलिए तो हर चीज़ को देख करके ब्लॉग बनाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आराम भी कर लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं थक गई हूँ आज काम कर करके। और फिर यहाँ पर इस रूम में ना बहुत ज़्यादा मच्छर है क्या है, मोबाइल जल रही है और लाइट भी, तो ना मच्छर जो है बहुत बहुत है अंदर में, बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं ना आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं जो है इसे सिलती कैसे हूँ। तो इसके अंदर साड़ी और जो फटे पुराने कपड़े हैं ना वो सब मैंने डाल दिया है, और बस मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़े से बस दिखा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन ना मैं इसे कल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि धागे जो है एक और मैंने बनाया ऐसे ही, तो धागे ना ख़त्म हो गए हैं, धागा बस थोड़ा सा बचा है, तो धागा जैसे लेकर के आएंगे वैसे ही फिर से मैं इसे सिलना स्टार्ट कर दूंगी। ये गांव देहात है फ्रेंड, हर चीज़ ना टाइम पर अवेलेबल नहीं रहता, मतलब नहीं मिल पाता है, तो बस मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। और फिर इस रूम में ना हर चीज़ जो है इधर उधर रखा हुआ है, तो जगह भी बहुत कम है, तो बस इस तरह से कैसे भी करके मैनेज करके जो है मैं इसको सिलाई करूँगी। और फिर आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है फ्रेंड कि कमर दर्द का व्लॉग बनाओ दादाजी के साथ, तो फ्रेंड जो है मैं ऐसे ही कमर दर्द का इलाज जो है मैं नहीं बना सकती ना, जब मेरे कमर में दर्द होगा तभी ना मैं जाऊंगी उनके पास अपने इलाज करवाने के लिए, तब ना व्लॉग बनाऊंगी। आप लोग जिद में अड़ जाते हो इसका व्लॉग बनाओ तो बनाओ, तो मेरे कमर में जब दर्द रहता है तब जाती हूँ। और फिर इस रूम में ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, और थोड़ा सा क्लिप मैंने और ना थोड़ा सा क्लिप मैंने घर रूम से बाहर का भी लिया, तो वो जो है उजाला है, ये रूम तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है, क्योंकि दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया है। और जो आज ना मैं शाम को भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू और भिंडी की, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। क्या है, हर काम करते करते ना शाम हो जाना है, तो सोचा चलो
इसी बहाने जो है आप लोगों से बातें भी हो जाएगी और साथ में जो है ब्लॉग भी बन जाएगा, तो इसलिए अंदर वाला रूम अंधेरा है फ्रेंड। तो भिंडी जो है मैं निकाल लेती हूँ और फिर वहाँ बस रखा हुआ है आलू, ये देखो बहुत ही ज़्यादा मच्छर है, मैं मच्छर से परेशान हूँ। तो ये सब को ना मैं अच्छे से धो लूँगी और फिर इसी की सब्जी आज बनानी है फ्रेंड। तो ये वाली साड़ी तो आप लोग जो है मेरा ब्लॉग अगर देख रहे होंगे शुरू से तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि ये साड़ी मैं बहुत पहले पहनती थी। अब ये साड़ी बहुत पुरानी हो गई फ्रेंड, तो इसलिए मैंने इसको जो है इसके अंदर जो और साड़ियाँ थी उसे डाल करके फटे पुराने कपड़े जो भी, तो उसे सब क्यों ना सिलाई कर दूंगी। तो फ्रेंड ये देखो आलू और भिंडी ये सबको मैं छांट लेती हूँ, जो क्या है ना कुछ सड़ जाते हैं, कुछ लाइट तो है नहीं, तो फ्रिज के अंदर भी रखो या बाहर रखो कोई मतलब का नहीं है, तो जो सड़े गले हैं उन सबको बाहर कर दूं और फिर जो अच्छे हैं उनको रख लेती हूँ। क्या छांटना पड़ जाता है ना, देख देख करके सब्जी बनानी पड़ती है। तो बस ये सबको जो इकट्ठे किया है मैंने और इसी की सब्जी बनाऊंगी। अब क्या है ना भुजिया बनाओ तो वो मुझे बहुत पसंद आता है, और दाल और भुजिया इसकी, तो दाल तो बचा है फ्रेंड सुबह का, इसलिए मैं इसकी बस भुजिया बनाऊंगी। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं सब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग धुंधला धुंधला सा है फ्रेंड, क्योंकि मैंने बता चुकी हूँ आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम, इसलिए तो अब बहुत बातें हो गई आप लोगों से। तो चलिए फ्रेंड अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला रूम जो है ना, और अभी का जो लास्ट काम है वो बचा है सब्जी काटना, तो इसमें भी टाइम लग जाता है क्योंकि देख देख कर काटना होता है छांट करके, तो बस यही धो करके काटना होता है। तो बस मैं इसी की तैयारी में लगी हुई हूँ और फिर ये सबको धो लूँगी अच्छे से, उसके बाद काटूँगी फ्रेंड। तो बस मैं अभी धो रही हूँ भिंडी को, और इसी की भिंडी के ना मुझे सिर्फ भुजिया पसंद है और कुछ नहीं, चटनी भी अच्छी लगती है जब टमाटर हो इसके साथ। तो इस टाइम तो टमाटर बहुत ही महंगा है फ्रेंड, तो हम लोग नहीं खरीद पाते इतना महंगा टमाटर, तो बस जैसे तैसे करके घर चलाते हैं। तो बस मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।